हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार तुमन का। और आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला छू, मैं का पत्ता छू। तो एल मी जानियो तल के, ठीक है ना, और देखूँ तुमन का कि पहाड़ी बाकली में की चलना। तो दगड़ियो, एक ब्रेकिंग न्यूज दी दू मी, जो कि सुमिता स्वास्थ्य संबंधी एक समस्या आ गए। ये देख, स्वास्थ्य खराब होने पर कौन ऐसे हंसता है यार, ठीक है। और दोस्तों, सुमित कैसी वाली बंडी पहनी है आप देखो, वो हवन करेंगे वाला नहीं पहनता हो, ठीक है। वैसे नहाता धोता सुखाता, सारे 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 ऑर्डर बजाता परे ठम पूछो नहीं लगी। तो दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम ये आई है, जो प्रॉब्लम लोगों को चौमास के दिनों में आती है, रुपाई लगाते समय आती है, वही प्रॉब्लम सुमित को ये गर्मियों के दिनों में आ गई। मैं आपको दिखाता हूँ जरा, कहाँ है दिखा दो। ये देखिए, सुमित के उंगली के बीच में जो ट्वाट जैसा पड़ रखा है, ये इस एलर्जी को हमारे पहाड़ों में कांधू बोला जाता है, जो कि पानी मतलब गंदे पानी में जाने से होती है, या फिर कुछ इन्फेक्शन हो जाता है ऐसी। तो क्या दवाई करें इसकी, आप बताओ। अगर आप में से कोई डॉक्टर है और सुमित का फ़ैन है, तो प्लीज़ इसकी दवाई बताए कैसे सही होगी। यो रहना पाना है, रात भर नौराटा करने में थी, वही जामी मर क्या करने भाई हूँ यार। सुमित कैसा फील कर रहे हैं आप अभी? कुछ नहीं कर रहा हूँ, बढ़िया है। बढ़िया, एक दो पैरों में और होना चाहिए ऐसी। अच्छा, तो आप अपने फैंस को कुछ शुभकामना संदेश की, मतलब फिक्र मत करो, ऐसे कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस से? अरे यार और गाइज, नौमत यहाँ तक आ गई है कि सुमित को लट्ठी टेकने की जरूरत पड़ गई है दोस्तों। अम्मा, तो कांधू दवाई है के? हो है। ये बता दे यार, ये तो रहना पाना है। झोल दवाई हूँ, झड़ दवाई झोल लता लगो है। झोल नहीं नहीं, हाँ झड़ दवाई होगा तो बनाए जाने सुगर हो बजे। अच्छा अच्छा, दुर्गा टाइम खुटा चाय नहीं भाई, शॉर्ट जो खुट जाल निकाले बरा खुटन में कांधो है। धिनाई का दू, धिनाई का दो में क्यों नहीं, ज्यादा धिनाई खा दी तब कांधो जाए। बाद में धिनाई रोली। अच्छा है कि बता, सर उड़ देता तो ठीक करना जरूर ना। हमारे जो अगर धिनाई रह जाए तो कादू है बेरो, तासी रुकता है, दवाई पूरी करना जरूर ना। फाइनली गाइज, अम्मा द्रोण पर्वत से संजीवनी बूटी ले आई है सुमित के लिए, और सुमित के कांधू का इलाज हो रहा है, थैंक्स टू अम्मा हमारे 1000 रुपये बचाने के लिए। ये अच्छा कहती, देख ले टूट टूट देख ले। तो गाइज, ये पहाड़ की जड़ी बूटी पानी मत लगाना, फिर ज्यादा होगा। अजी ल ठीक है, जानो के नहीं बिगड़ रही है, शुरुआत है थी। हमारे गांव में आया है एक बंदर जिसका नाम है सागर, यकलू बानर। यकलू बानर कौन, क्या करता है यकलू बानर? ये झूला झूला खेलता है यहाँ पर, ये जाई लावे वो अंगटला अथा पा छटिया लियो है। ये सागर निकल, वो चढ़ गया ऊपर रे, यकलुआ बानर रे, वो झूला झूलो चढ़ गया। ये दोस्तों देखो, ये है आपका असली बचपन, गांव की मस्ती और असली बचपन, जो कि आजकल खोता जा रहा है। ये अपना लाल बंदर, ये देखो दोस्तों लाल बिल्ली बानर। ये गांव का बचपन, आज की स्मार्टफोन जनरेशन शायद इसे समझ पाए, इस बचपन को। होली क्यों मनाते हैं? होली रंग लगाने के लिए, दिखाने के लिए, दिखाने के लिए, ड्रम में एक दूसरे को चोपने के लिए। हाँ सही कौन है, बस हो गया। और गुड़ गुड़ सुपारी मिलने के लिए। अच्छा, इस बार होली में किस चीज को रंग लगाया आपने? बहुत दिनों को, वो देखो ऐसा हो गया मेरा बोझ। बोझिल बोझिल मारना थे तुमने का रंग लगुण में, क्यों कौन ही बोझ? गाइज, यहाँ पे मम्मी और पापा ब्लॉग देख रहे हैं, कॉफी पीते पीते, ठीक है। बताओ, मैं रोज ना सामूला ब्लॉग बनू, इनका ब्लॉग देखने जा लग गए हो।
सुमित को प्यार भरा आशीर्वाद आपके पापा जी की इतनी अच्छी सोच के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। yeah. तेर का यूं का माना ला सैनी का यूं मानने राय प्रधानमंत्री सैनी सर जाना तब मिला जुराज ब्याह होगा बाल सही वे पे मने रहा हूँ भाई दिवाजा तब रहा हूँ भाई तब बड़बाजू नहीं कोई है आराम कर का जाड़ है बार बार झाड़ पा थोड़ा आराम ये नहीं कोने भाई मगनी से अनुभव दुनिया भरी के वो पहले दिशा में कारो से घर जब बड़बाजू बढ़िया मूड में हुई उखत तो है कि कह भी बोलू ही तो का के नाम आमला दर रखे बड़बाजू ते भुवनेश भाई जैसे चला ना होने भाई अंदर का भाई ने कहा नहीं तो अरे आना फलाना पापा ढेसाना पापा नंदना पेटर पान हलो नाम अहिला धर तो ठीक कह दी शर्म लाई नहीं भाई और तू क्यों मुझे वो भुवनेश मुझे तू क्यों मुझे ये नहीं होने भाई कब इमरजेंसी में जैसी बुलान पड़ गई अजाना भेज भेजा फोन सन मालगुड़ भैया तालगुड़ आगो फोन कर वो कर वो भाई जो भाई है ना अपने टाइम में लेने भाई खाना भैया जाओ खाना टाइम में तो कौन बुलाओ पड़ना तो चाहते खाना खा फोन सन ना चलन वो भाई ये नहीं भाई वो आप ही आजाने भाई अपने टाइम में अगर मान लियो कि जिन्हें देर है जब फिर कसी धार लगूं भाई करुजन दही नहीं है करुजन बात चार मारे फोन नहीं भाई अभी रोनी हुआ है तो हाँ जी नहीं भी गाइस आज पहाड़ी बाकरी में बन रही है आलू बड़ी की सब्जी बड़ी जिसको हम प्यार से न्यूट्रेला कह के भी पुकारते हैं गाइस ये तैयार हो रही है ग्रेवी हाय हाय होश लगने ना होश अब इसमें पड़ेंगे सिल में पिसे हुए मसाले ये पड़े मम्मी के हाथ के बने मसाले हाय हाय हमारी अपना योगदान देते हुए आग बढ़ती हुई दुगला कट दिया मस्त भाया माँ आगला कसर दिया कम से ये डाले आलू हाय हाय फ्रेंच फ्राइज लग रहे ऊपर से हाय 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 हाय